है एवरीवन, सो आज हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ड फ्लावर, और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो ध्यान से देखिएगा, हम बहुत ही ईज के साथ एक ब्यूटीफुल डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन की डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बोल्ड रोज़ फ्लावर किस तरीके से नेचुरल लाइंस के साथ क्रिएट किया है। आप इसमें किसी भी शेप्स की पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि दो पेटल के बीच का जो गैप है वो इवन होना चाहिए। अब हमारा फ्लावर बोल्ड है तो हमें यहाँ पे लाइट एलिमेंट्स लेने हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं हम्स को क्रिएट कर रही हूँ। हम्स के साथ साथ हम अदर एलिमेंट्स को भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अब यहाँ पर मैं एक लीव्स की विंग्स को क्रिएट करूँगी। यहाँ पर हम स्क्वायर एलिमेंट्स को हीरो एलिमेंट्स बनाकर हमारे डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो स्क्वायर एलिमेंट है उसे हम इस तरीके से सेट करेंगे हमारे डिज़ाइन में कि वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बोल्ड वाले हमारे फ्लावर्स को भी क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो फ्लावर के अलावा आप हार्ट शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ईज के साथ मेहंदी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेहंदी की डिज़ाइन सीख पाओगे। एज यू कैन सी के बोल्ड लाइन के बाद थिन लाइन और थिन लाइन पे हम्स को क्रिएट किया है और इनसाइड भी थिन लाइन को क्रिएट कर दिया था। देन अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ हमारे ब्यूटीफुल ऑल टाइम फेवरेट लीव्स। मुझे पर्सनली ये लीव्स की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जब कलर आता है बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अब मैं यहाँ पर लेयर्स वाले जो है वो स्पायरल्स को क्रिएट कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी गाइज के बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा बंच इतना सा ही बनने पर। वापस से एक स्क्वायर एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। स्क्वायर हमारा हीरो एलिमेंट है इस बार, तो हमें उसे बहुत ही क्लीनली अच्छे से क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पे थिन लाइंस को क्रिएट करूँगी, वापस से थिन लाइन और हम्स को क्रिएट करूँगी। वापस से जो है हमारी ऑल टाइम लीव्स को यहाँ पर कॉर्नर की तरफ क्रिएट करूँगी ताकि जो हमारी जगह है वो भर जाए और अट्रैक्टिव नज़र आए हमारी डिज़ाइन। अब जो हमारे जो स्क्वायर है हमें हमारे स्क्वायर को इसी तरीके से खाली रखना है ताकि वो हाईलाइट हो। अगर आप इसमें फिलर एलिमेंट या चेक्सिस फिल कर दोगे तो हमारी जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट नहीं होगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे स्क्वायर के आजू बाजू हमने इस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट कर दिया है, तो हमारे चेक्सिस कितने ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव और विजिबल नज़र आ रहे। अगर हम चेक्सिस के अंदर फिल कर देते तो डिज़ाइन में बिल्कुल भी अच्छे से नज़र नहीं आते। अब मैंने यहाँ पे हमारी पाम की साइड पर भी सेम फ्लावर क्रिएट किया है और वापस से हमारे ब्यूटीफुल लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। एक लीव से हम बहुत सारे लीव्स के वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ बहुत बार शेयर की है ये चीज़, तो आप इसे ब्यूटीफुली क्रिएट करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये बनाने आ जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को रोज़ देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो हम उसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे हमें वो चीज़ आ जाती है। सो यहाँ पे मैंने बोल्ड के साथ हमारे लाइट एलिमेंट्स को जो है वो क्रिएट कर दिया है। साथ में यहाँ पे हमारे जो हथेली के बंच है उसे हथेली में ही मैं क्रिएट करूँगी। एज यू कैन सी गाइस कि अब वापस से मैंने चेक्स एलिमेंट स्क्वायर एलिमेंट को क्रिएट किया है। सेम हमें स्क्वायर को इसी तरीके से क्रिएट करना है। साथ में हम यहाँ पे हम्स को भी क्रिएट करेंगे एज इट इज। स्क्वायर के आजू बाजू जो है थोड़े से हमने हमारे डिजाइन को क्रिएट कर दिया है, लीव्स को क्रिएट कर दिया है। अब जो थंब की फिंगर है तो हम थंब की जो फिंगर है उसमें हम सिंपली ही क्रिएट करेंगे हमारी बॉर्डर लाइन की तरफ से डिज़ाइन। हमें बहुत ज़्यादा हमारी डिज़ाइन को हैवी नहीं बनाना है। हम यहाँ पे सिंपली दो बंच के साथ कैसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं वो सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कोई भी बिगनर आर्टिस्ट ब्यूटीफुली और ईजिली क्रिएट कर सकता है। एज यू कैन सी हमने लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे डिज़ाइन को अच्छे से कम्प्लीट किया है। अब जो फिंगर की डिज़ाइन है, फिंगर की डिज़ाइन हम हाफ हाफ क्रिएट करेंगे, पूरी डिज़ाइन हम फिंगर की नहीं क्रिएट करेंगे। सिर्फ हम फर्स्ट फिंगर को ही पूरी तरीके से क्रिएट करेंगे बिकॉज हमारे बंच को हमने फर्स्ट फिंगर की तरफ अटैच किया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने फिंगर की डिज़ाइन हाफ हाफ किस तरीके से कंप्लीट कर दी है। सेम वे में ही मैंने कंप्लीट कर दिया और बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अब मैं यहाँ पे लेयर्स वाले जो है वो स्पाइरल्स को क्रिएट कर दूंगी। वापस से थोड़े से हमारे बोल्ड एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे हम,
और सिंपली मैंने इस बंच में लाइट एंड बोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ ये पूरे डिज़ाइन को मैंने जो है वो कंप्लीट कर दिया है। साथ में थोड़े से लीव्स को क्रिएट किया है। आप चाहो तो बोल्ड और डांसिंग लीव्स के बंच को भी यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा हो तो, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन इसी तरीके से पसंद है। ये वेडिंग गेस्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में इसे क्लियरली लगा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।